सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री जीदा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सप्त श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुहृदे सर्वकार्यविधायने कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्ततः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव सेहेन प्यम्बा सुते प्रकाश्यते। ॐ अच्च श्री दुर्गा सप्तश्लोके सहस्रमन्त्रस्य नारायण ऋषे मनुष्टव छन्दः श्री महाकाले महालक्ष्मे सरस्वती श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्थिता हर्षभेदमशेषजन्तः स्वस्ते स्थिता मतिमतिमशुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याद्रि हरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयवस्वायिनो देवी दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगाणशेषा नमांसि दुष्टा दृष्ट्वा दुःखामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रिताणां न विपन्नराणां शयतां प्रयान्ति सर्वावगाप्रसन्नं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शुनश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमाचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मणबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिता चितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणि अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी
अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावते भट्टाम्बर परेदाना कलमञ्जीर रञ्जने अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा देव वाराहे लक्ष्मे च पुरुषाकृते विमलाकर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा मौला मौल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्ते च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वात्र धारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारी चैककन्या च कैशोरे यवते यते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विने नारायणे भद्रकाले विश्वमाया जलाधरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदं प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम शताशकं नासाध्यं विद्यते देवे त्रिशो लोकेषु पार्वते धनं धान्यं कृतं जायामयं हस्तिरमेव च चतुर्वर्गं कदाचान्त लभेन्मोदिं दशाश्वते कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्परया भक्त्या पठे नाम श्रदाशकं तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैस्वरवरैरपि राजानो दाशतां यान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोराजनालक्कुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधत्रेण विलक्षयन्त्रं विधिना विधिज्ञ भवेत् सदा धारते पुरारिः कोमावाक्षा निशामग्र चन्द्रे शतभिषां गते विलक्ष्य प्रभटे स्तोत्रं स भवेत् संवरापदम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याह कवचम ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचश्च ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टवछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोतमातरा बेजौ देवबन्धदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशते पाठागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ जगयं परमं लोके सर्वरक्षाकरुणिणां यन्नकस्य चिदाज्ञातं तन्मे ब्रूहे पितामह ब्रह्मवाच अस्तुयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासु कवचं पुण्यं दशरश्व महामुने
प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डे कौष्माण्डे चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाशमम् नवमं सिद्धिदाते च नवदुर्गः प्रकेतिता उत्काले तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अनिनादयमानसो शत्रुमध्ये कदारणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गता का तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे पश्यामि शोकदुःखमयं नहि येषु भक्त्या सुदानोऽणां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां शरन्ति देवेषु रक्षसे तान् संशयः वेद संसातु चामुण्डा वारहि महिषासन इन्द्रिगसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा करा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हस्त समारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यदा मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाट्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेदकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं दशूलं च शारङ्गमायुधमत्तमम् देत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानीथं देवानां चैताय वै नमस्ते तो महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने काहि मां देवि दुष्पेश शत्रूणां भयवर्धने प्राचारक्ष मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे मनुमाराहि नैरित्यां गणधारणि रथे च मारुणे रक्ष वायव्यामृगवाहिनि कुले च पादुकौमारे ऐशानां शूलधारणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अरस्ता वैष्णवे तथा एवं दशदृशो रक्ष चामुण्डा शववाहन जयाने जागृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पाचतु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योदने रक्ष उमामूर्ध्वे व्यवस्थिता मालादरे ललाटे च भ्रुव रक्ष जसस्वने त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयो द्वारवासिने कपालो कालिकारक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोक्षे च चर्चिका अधरे च मृदकला जिह्वायां च सरस्वते गन्धारक्षुकौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका चण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाले च पृष्ठवंश धनोधरे नीलग्रीवामये कण्ठ नलकां नलकोभरे कन्दयो खड्गणे रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्यो दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च दगाचूलेश्वरि रक्ष कुक्षा रक्ष कुलेश्वरि सारक्ष महादेवे मनः शोकविनाशिनि हृदय ललितादेवे उदरे शूलधारिणि नाभो च कामणे रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा ऊर्धना कामिकामेढं गुले महिषवाहिनि कट्यां भगवते रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनि गङ्गे मामला रक्ष सर्वकामं प्रदायिनि
उभयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठतेजसे पादाबलेशेरक्ष पादादस्तवासने नखद्रष्टाकराले च केशाश्चैवोद्धकेशने रोमकोपेशकोवेरे त्वजं बागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामसाजस्य मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तं च मुकुटेश्वरे ब्रह्मावले पद्मकोशे कभे चूडामणे तथा ज्वालाभेन ज्वालामवेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां शत्रेश्वरे तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणे प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्ध्रे च शब्दस्पर्शे च योगने सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे पौत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून्मे रक्ष चण्डिक पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्ष भैरवे सन्तानां सुभदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनां दुःशासानां वर्जितं गवजयनतो न सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति बाबुनाशिनि परमेकं न गच्छतो जले च शुभमात्मनः कवचेनात्मितो नित्यं यत्र यत्र न गच्छति तत्र दत्तार्थलाभश्च विजया सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तङ्गं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर अमगलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तु भयत्पूज्य कवचेन मृधा पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापनप्रयतो नित्यं त्रिगन्ध्यं सद्यान्वितः देवी कलावरे तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवर्षकलं साकम् अपमृत्यो विभर्जितः दर्शन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि भन्दयन्त्राणि भूतले भूचराकेचरा चैव जलजाचोपदेशिकाः सजा कुलजामाला डागणेशा गणे तदा अन्तरिक्षा जरा घोरा डाकिन्नश्च महाबलाः प्रभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माणा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शनाथस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न देव वैराग्यस्थिरवृद्धिकरं परम् यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्त सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदन्यां सन्तति पुत्रपौत्रे देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्याशिर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य निष्ठाविषये अनष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मे देवता श्रीजगदम्बा पीतये सप्तशरे पाराङ्गत्वेन जपे विनियोगः चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ जयन्ति मा
मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवादात्रे स्वाहा सुधा नमोस्तुते जय तम देव चामुंड जय भूताधिहारिणि जय सर्वगते देव कालरात्रे नमोस्तुते मधुकैटव विश्रावि विदात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे वैशासुरनिर्नाशे भक्तानां सुवदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे रक्तबीजावदे देवि चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे शुम्भशैवन शुम्भश्च धूम्रक्षस्यमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे वर्धिताङ्गे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे अचिन्तरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे न देव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे सुबद्धो वर्त्य पूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे चण्डिके सततं जत्वा मर्चयन्निह भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे विदेहि दृष्टतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे सुरासुरशूररत्ननिग्रहश्चरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे विद्यावन्द्रं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्द्रं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे कृष्णरासंस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे इन्द्राणि बलिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे देवि प्रचण्डदोदण्ड दत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे देवि भक्तगणोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दृशा जहे पद्मे मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं धारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे त्वादो महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशते सङ्ख्या परमा पुनोति सम्पदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्याचे कीलमन्त्रस्य शिवादिशे अनष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वते देवता श्रीजलम्बाप्येत्यर्थम् सप्तशते पाराङ्गत्वेन जप विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे
श्रेयापातिनिमित्ताय नमः सौमार्थधारिणे सर्वमेदध्यानीयान्मन्दानामभिकीलकम् स्वभिक्षेमाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः यद्यन्तु जाननादीनि भक्तोनि सकलान्यपि एतेन सुभदां देवि स्वस्त्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं दत्त न किञ्चिदपि विद्यते विना चापेन सिद्ध्यत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामरः स्थित्वा निमन्त्रयामाश सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायाश्च तच्च गोत्रम् च कासः समाप्तेन च पुण्यश्च तयताव्यन्नियन्त्रणाम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः दृष्टायाम् वा चतुर्दशमुष्टम्यामा समाहितः तदाति प्रतिजिह्णाति नानदेशा प्रसेदति यत्तम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिश्रीराम् विधायेनाम् नित्यम् जगते संस्मरम् सा सिद्धा सागरासोऽपि गन्धर्वोजायते नरः न चैव पर्तस्तस्य भयम् क्वापि अजायते नाभमित्तो वशं याते मृता मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणा विनश्यति तदज्ञातेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजत्केन्द्रे दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादे तेन याप्यामिदम् शुभम् क्षणेस्तु जप्यमाणे स्तोत्र सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्ते वा समग्रापि तदा प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्र साधेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुराणि परोमोक्षा श्रूयते सान किम् जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् Dhanam
शिव शिव चुंबन चुंब महावर विद भोग जरते जय जय हे महिषा दुर राम Okay.
नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाली जीगा अथ क्षमा प्रार्थना अपराध का सारे ये अंधे हर जामाया दादा अमित मामत्वा क्षमा शेरा वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन 3 बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओम का रखे का नाद कीजिएगा। संयुक्तम
नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा मूल सच्चे दरबार की। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ते सम्मता यन परेशु धनानि तेषां तेषां जशांसि दत्त सीति धर्म वर्गा धन्यास्त एव निपितात्म वित्त धारा येषां सदा भवेदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली माँ, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और मृत्यु के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्मयाणी देवी सकलाणी सदैव कम्मा नत्ता प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्गम प्रायतो भवति प्रसादा लोको देवी फलदा अनु देवी तेन। देवी आपकी कृपा से पुत्र आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे स्मिता हर्षि भीति विशेष जंतु स्वस्थे स्मिता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा सदा चित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणी का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही तैयार रहता हो। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, सभी देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर, अवतारों पर अथवा दैत्यों पर भी जब कोई संकट काल आन पड़ा है, उस समय उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर दिया है। एक बार देवताओं तथा दैत्यों में घोर संग्राम हुआ जो 100 वर्ष तक होता रहा और ये संग्राम मुनियों को विचलित करने वाला था। इसमें शुक्राचार्य द्वारा संरक्षित दैत्यों की विजय हुई। प्रहलाद जी दैत्यों के राजा थे, सेनापति थे और इंद्र जी जो देवताओं के थे और शुक्राचार्य द्वारा संरक्षित दैत्यों की इसमें विजय हुई और देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। तब सभी देवगण गुरु बृहस्पति की शरण में गए और गुरु जी ने उनको दुर्गा माता जी की आराधना करने का परामर्श दिया। इंद्र ने सभी देवताओं के साथ माता की आराधना की। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन एवं संहार कराती हैं। हे माँ, आप प्रकट हों और दैत्य राज प्रहलाद जी जो स्वर्ग पर शासन कर रहे हैं उनके द्वारा हमारी रक्षा करो, हमको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कराओ। इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, जिन भक्तों ने आपकी पूर्व काल में भक्ति की है वही इस जन्म में सुखी देखे जाते हैं और जो आपकी भक्ति से वंचित रहे हैं वो दुख रूपी समुद्र में गोते खाते देखे जाते हैं। जिनके ऊपर स्वच्छ चंबर डुलाए जा रहे हैं, जो हाथियों पर जो आरूढ़ हैं, उत्तम सामंतों के साथ चलते हैं, उन्होंने निश्चय रूप से आपकी भक्ति की है और आपकी भक्ति से वंचित जो हैं वो दुख रूपी समुद्र में गोते खाते देखे जाते हैं। जब इस प्रकार इंद्र ने देवताओं के साथ माता की स्तुति की तो माता जी ने सिंह पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके देवताओं को दर्शन दिया और कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है, आपका दुख दूर करने के लिए मैं
जो कल्प वृक्ष के समान हूँ। तब माता जी वहां गई जहाँ दैत्यों की सेना थी। जब प्रहलाद ने माता जी को देखा तो कहा कि निश्चय रूप से ये नारायण जी के साथ मिलकर आई हैं और इन्होंने ही अपनी वक्र दृष्टि से महिषासुर का वध कर दिया था, धूमलोचन का वध किया था, चंडमुंड का वध किया था, अब हमारा भी ये वध कर देंगी, इसलिए हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। परंतु भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों को नवचि ने समझाया कि आप भागते दैत्यों का माता जी अपने शस्त्रों द्वारा वध कर देंगी, इसलिए आप उन्हीं की शरण में जाओ और उनके कथनानुसार कार्य करो। उस समय विष्णु भक्त प्रहलाद जी ने दुर्गा माता जी की आराधना की है, हे माँ, हम दैत्यों तथा देवताओं में आप भेदभाव क्यों करना चाहती हैं? हम भी कश्यप जी की संतान हैं और ये देवता भी कश्यप जी संतान हैं, इसलिए भाई भाई में आप वैर विरोध क्यों देखना चाहती हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि अपने मनोविनोद के लिए आप ऐसा कर रही हैं। जिस प्रकार हम धन पुत्र स्त्री के मोह में रहते हैं, इस प्रकार देवता भी रहते हैं, फिर हम भाइयों भाइयों में जो विरोध क्या है? क्योंकि आप विश्व जननी कही हैं, इसलिए भाई भाई में ऐसा विरोध क्यों कर रही हैं? माँ, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा वध करें अथवा हमारी रक्षा करें। इस प्रकार प्रहलाद जी ने दैत्यराज प्रहलाद जी माता की स्तुति की। उस समय माता ने कहा कि दैत्यराज प्रहलाद, आप अपनी सेना के साथ पाताल में जाकर शांत चित्र हो और वहाँ सारा वैर भाव छोड़ करके रहो, क्योंकि सत्य योग में सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने पर जिन भक्तों को संतोष नहीं रहा वो दुखी रहे हैं। इस प्रकार उस समय प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, माता जी की शक्ति द्वारा रक्षित होकर के वो पाताल में चले गए और उनकी रक्षा हो गई और वो शांति से रहने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि भागते दैत्यों का माता ने बात कर देना चाहती थी, परंतु स्तुति करने पर माता जी ने उन दैत्यों की रक्षा की। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं। इसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं, इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, भटकते हुए प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कालिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। इसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे। 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 सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जय, जयकारा शेरां वाली जी दा मूल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता अपाए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता भेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया
दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की सजाया है
कर रहे हैं श्री मनिंदर जयकारा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे मेरी माँ तुझसे सब कुछ मिला है, मुझे मेरी माँ
तुझसे सब कुछ मिला है मुझे मेरी माँ तुझसे सब कुछ मिला है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है जो मांगा था तुझसे वो सब कुछ मिला है जो मांगा था तुझसे वो सब कुछ मिला है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है मुझे मेरी माँ तुझसे सब कुछ मिला है मुझे मेरी माँ तुझसे सब कुछ मिला है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ ये करुणा की देवी ये ममता की मूरत ये करुणा की देवी ये ममता की मूरत बड़ी भोली भाली है मेरी माँ की सूरत बड़ी भोली भाली मेरी माँ की सूरत ये करुणा की देवी ये ममता की मूरत ये करुणा की देवी ये ममता की मूरत बड़ी भोली भाली मेरी माँ की सूरत बड़ी भोली भाली मेरी माँ की सूरत दया का ये सागर सबको मिला है दया का ये सागर तो सबको मिला है दया का ये सागर तो सबको मिला है दया का ये सागर तो सबको मिला है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया मुझे मेरी माँ तुझसे सब कुछ मिला है मुझे मेरी माँ तुझसे सब कुछ मिला है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया मैं रोया तो माँ तुमने हंसना सिखाया मैं जो भी हूँ सब कुछ इसी से मिला है मैं जो भी हूँ सब कुछ इसी से
मेरा है। जो भी हूँ सब कुछ इसी से मिला है। मैं जो भी हूँ सब कुछ इसी से। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। माँ तेरा शुक्रिया, माँ तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरी माँ तुझसे सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। माँ तेरा शुक्रिया, माँ तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। रहूं कुछ मिला है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। ओ माँ तेरा शुक्रिया, कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा श्री रामल बोल सच्चे दरबार की जय। आवांगे हर लाल दात तेरे, आवांगे 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 हर लाल दात तेरे, आवांगे मुरादा पावांगे। आवांगे आवांगे हर साल दात तेरे, आवांगे 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 हर साल दात तेरे, आवांगे पावांगे पावांगे मुंह मंगिया मुरादा पावांगे, पावांगे पावांगे मुंह मंगिया मुरादा पावांगे।
बचे विच सुख बरसावे बाल बचे विच सुख बरसावे दुख दी प्यास मिटावे दुख दी प्यास मिटावे बाल बचे विच सुख बरसावे बाल बचे विच सुख बरसावे दुख भुख दी प्यास मिटावे दुख भुख दी प्यास मिटावे पूरे करी सवाल दात तेरे आवांगे 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 हर साल दात तेरे आवांगे 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 हर साल दात तेरे आवांगे छतर ले आइए आरती वेले जो जगाइए आरती वेले जो जगाइए बेटा दुनिया छतर ले आइए बेटा दुनिया छतर ले आइए आरती वेले जो जगाइए आरती वेले जो जगाइए झंडे चुराइए लाल दात तेरे आवांगे झंडे चुराइए लाल दात तेरे आवांगे झंडे चुराइए तेरे आवांगे झंडे चुलाइए लाल दास तेरे आवांगे 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 हर साल दास तेरे आवांगे 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 हर साल दास तेरे आवांगे मावां हुंदियां ठंडियां छावां मावां हुंदियां ठंडियां छावां पुत्तर पलणगी फुल दियां मां ओ पुत्तर पलणगी ना फुल दियां मावां साडा करी ख्याल दात तेरे आवांगे साडा करी ख्याल दात तेरे आवांगे आवांगे हर साल दात तेरे आवांगे 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 हर साल दात तेरे आवांगे आवांगे पावांगे मुंह मंगिया मुरादा पावांगे 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 मुंह मंगिया मुरादा ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਤੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈ ਦਾਤੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈ ਦਾਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਬਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰਮ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਈਏ ਕਰਮ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਈਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਨ ਵਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਨ ਵਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ
बोल सच्चे दरबार की जय। प्रातर्भजामि भजताम अभिलाष दात्रीम धात्रीम समस्त जगताम दुरितापहंत्रीम संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समदिगम परस विष्णु सच्चिया ज्योता वाली माता की सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवाली शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास के आज 11 प्रविष्ट हैं। कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। पंचमी आज प्रातः 11:32 तक है। बुधवार तदनुसार 24 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णरता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामोदयोऽस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्मारोग्यमावेदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरे सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौर मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निशि दिन जावत मैया जी को निशि दिन जावत Oh, God,
परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोल लो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बेला जय माता दी, राधा बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कष्ट कटांदी जय माता दी, ना मेरा कर दी जय माता दी, जोलियां भर दी जय माता दी, ना भरे खजाने जय माता दी, ये सोला आने जय माता दी, ना गोदा भर दी जय माता दी, ना वीर देंदी जय माता दी, ना लाल देंदी जय माता दी, ये बाणे सुनिया जय माता दी, ये उच्ची बोलो जय माता दी, ये हाथ भी बोलो जय माता दी, ये ताली बजा के जोतां वाली जय माता दी, ना लाटां वाली जय माता दी, चोलियां वाली जय माता दी, चुनियां वाली जय माता दी, चूड़ियां वाली जय माता दी, पहाड़ां वाली जय माता दी, मंदिरां वाली जय माता दी, झंडियां वाली जय माता दी, घंटियां वाली जय माता दी, द्वारां वाली जय माता दी, भवनां वाली जय माता दी, शेरां वाली जय माता दी, गुफां वाली जय माता दी, हाथ वाणी जय माता दी, सब कल्याणी जय माता दी, आवा राणी जय माता दी, पिंडी राणी जय माता दी, गायत्री देवी जय माता दी, माता काली जय माता दी, कप्पर वाली जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गढ़की द्वारी जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, ए सोलायाने जय माता दी, सरस्वती मां जय माता दी, हंस द्वारी जय माता दी, विद्या दंडी जय माता दी, ज्ञान दंडी जय माता दी,
सिद्धि देंदी भक्ति देंदी जय अंबे जय जगदंबे 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 जय अंबे जयकारा छेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वमंगल मंगल्ये सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रहलाद महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना द्वितीय आद गणेश तृतीय स्मरण शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आग बहर जो घट गड़ी जो चरणादा ध्यान जय मां। Thank you.
Sakrudeshu Japaparidam Churandu Shunyam Shiram Sangam Sangatatim Karechinayana Sarvanga Bhushavritam Hirashyamaduti Matrapada Nachakam Deve Mahakalikam Yamasto Svapite Harokamarajam Antam Madhu Gedevam Vakshatrasvarasham Kadeshu Kulisham Padmam Dhanushkundikam Dandam Shakti Madhinca Charma Charajam Dandasura Bhajanam Churam Vasha Sudarshane Chakalati Hatte Prasannanana Sevi Serva Bhajani Mimaha Lashmi Sarojastita Ganda Shula Halani Shankha Mutare Chakram Dhanu Sayakam Hatta Veda Dilganasa Vilata शेताश कुल्यप्रवा गौरी देह समुद्रवा प्रियता आधार भूता महा पूर्वा मत्स्य सरस्वती मनुभजे शुंभादि दत्तासिने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव शांताकार भुजग शरणं भगवनाभं सुरेशं विश्वागार गगन सदृशं वेगवरणं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भगवरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णामोदरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी हरे मुरारे मुरुगे द्वारे गोविंद गोपाल मखन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे माई मेरी सच्चिया जोता वाले माता तेरी सदा पंच कुला रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार की शांति देने वाली माता तेरी सदा लुंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म का जाओ धर्म का जाओ धर्म का जाओ प्राणियों में जाओ प्राणियों में जाओ प्राणियों में जाओ विश्व का जाओ विश्व का जाओ विश्व का जाओ भारत पर जाओ भारत पर जाओ भारत पर जाओ बोलो हरे हरे हर बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता जी Thank you.
Yahoo.